इस समय सारी दुनिया, सारा देश और अपना मध्य प्रदेश भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस लड़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 23 तारीख की रात जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय कोरोना से लड़ाई के लिए हमारे पास हथियार नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं बनी थी। यहां तक कि सैंपल की टेस्टिंग के लिए हमारे पास लैब की उपलब्धता भी नगण्य थी। हमने आके पूरी व्यवस्था बनाई, सिस्टम खड़ा किया। ये बीमारी, ये संक्रमण इंदौर जैसे शहरों में फरवरी के और मार्च के महीने में ही फैल चुका था, लेकिन तब आवश्यक सिस्टम नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया, जहां एक लैब पहले काम कर रही थी, आज हमारी 9 लैब काम कर रही है, और लगातार लैब की क्षमता हम बढ़ाते जा रहे हैं, लैब की संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया बनाए, जहां जहां इस वायरस का संक्रमण पहुंचा, 27,54,000 लोग इस कंटेनमेंट एरिया में पूरे प्रदेश में निवास करते हैं। अब तक 18,14,000 का हम सर्वे स्क्रीनिंग पूरी कर चुके हैं। हमने स्क्रीनिंग की, हमने तेजी से सैंपल लिए और सैंपल टेस्ट के लिए भेजे। 17,650 सैंपल लिए, उनमें से 1,307 पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होना, होने का पता लगाना, यह ज्यादा जरूरी था। हमने इसमें कोताही नहीं की। हमने कहा कि जहां भी प्रभावित इलाके हैं, उनमें अगर कोई पेशेंट है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री देख के सबका सर्वे किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए और सबके सैंपल लिए जाए। इंदौर में अब हम जो बैकलॉग था हमारा सैंपल का खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमने केवल मध्य प्रदेश में सैंपल की जांच नहीं करवाई, जरूरत पड़ी तो हमने सैंपल विशेष विमान से दिल्ली भेजे, पुराने बैकलॉग को समाप्त किया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंदौर में जितने सैंपल लेने थे हम अधिकांश ले चुके हैं। अब यह बीमारी नियंत्रण में आएगी और धीरे धीरे अब पॉजिटिव की संख्या न कम होगी। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांटा, अलग अलग अफसर तय किए, 489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4,00,000 लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं। अकेले इंदौर में हम 4,00,000 लोगों का सर्वे अब तक कर चुके हैं। सर्वे करके क्वारंटाइन में भी लोगों को ले गए और इंदौर में 5,120 सैंपल लिए। इंदौर में जो टेस्ट हुए वो टेस्ट की संख्या भी देश की सर्वाधिक संख्या में से, 2,000 प्रति 10,00,000। ये जरूरी था मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की व्यवस्था,
ऑक्सीजन सिलेंडर 2776, टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था, 246 कोविड केयर सेंटर है हमारे प्रदेश में, 63 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमारे यहां 25, आइसोलेशन बेड 29,975, डेडिकेटेड अस्पताल हेल्थ सेंटर में आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता 29,355, आईसीयू बेड डेडिकेटेड अस्पताल में 840, वेंटिलेटर 993, डेडिकेटेड अस्पताल में जो वेंटिलेटर की संख्या है 690, व्यवस्थाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वैसे ही प्रदेश में इंदौर के साथ भोपाल हो, उज्जैन हो, खरगोन हो, खंडवा हो, होशंगाबाद हो, मंदसौर हो, बड़वानी हो, मुरैना हो, कई जगह तो संख्या हमारी स्थिर है। अब जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, हमने महामारी को नियंत्रित किया है। शिवपुरी में अब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, स्वस्थ होकर लोग घर लौट गए। पॉजिटिव निकल रहे हैं तो स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं, इसलिए पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत से हम कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना है और जीतना है। कोरोना ऐसी महामारी नहीं है कि जिसमें जान चली जाए अगर समय पे पता चल जाए तो, इसलिए जरूरी है कि अगर लक्षण है तो तत्काल इलाज के लिए हम पहुंच जाएं। और इसलिए अब इस मामले में पूरे इंदौर का सहयोग मिल रहा है। इंदौर में जनसेवी लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं डटी हुई है मैदान में, सरकारी अमला भी मेहनत से काम कर रहा है, भोपाल सहित अन्य शहरों में भी हम जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं यही निवेदन करता हूं, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, कंटेनमेंट एरिया से कोई बाहर ना निकले, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है, कोई मध्य प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा ये इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर हैं उनकी हम चिंता कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग अफसर हमने तय किए हैं, कैसे उन मजदूरों की वहां बाहर बेहतर व्यवस्था हो जाए, इस प्रयास में भी हम निरंतर लगे हुए हैं। और कोरोना के साथ हम बाकी कामों पर भी ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस संकट की स्थिति में भी सरकारी खरीद को हमने प्रभावित नहीं होने दिया। 15 तारीख से लगभग 4400 खरीदी केंद्रों पर हमने गेहूं का उपार्जन शुरू किया है, सरसों चना मसूर भी खरीदी जाएगी। किसान भाई चिंता ना करें, आपकी पूरी उपज खरीदेंगे, मजदूरों की भी पूरी चिंता करेंगे, इसलिए राशन से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने की है। कोरोना की लड़ाई में सहयोग देने के लिए हमने जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों का, सदस्यों का कार्यकाल भी बढ़ाया है ताकि संकट के समय उनको भी काम में लगा सके। हमने एक फैसला और किया है, हमारे कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, वो उनके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे सभी
स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये सेवा राशि के रूप में हर माह दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी ऐसे साथी जो उनके बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, और इसके साथ अगर कोई उनके बीच किसी भी विभाग का कर्मचारी काम करते करते भी संक्रमित हो जाता है तो हमने 10,000 रुपये की सेवा राशि उनको भी देने का फैसला किया है। कोरोना की इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं ने जिस समर्पण से काम किया मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आप सबसे भी ये कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद।